गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा श्री गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मित्रों जय माता दी। आज की वीडियो में हम आपको दैनिक पंचांग राशि परिचय राशि फल एवं खास उपाय की जानकारी देंगे। आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज वीडियो शुरू करने के पहले मिश्रा ज्योतिष केंद्र को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और बेल आइकन की घंटी को भी बजा दें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए महत्वपूर्ण है। 24 फरवरी शनिवार 2024, श्री सुख संवत 2080, शक संवत 1945, माघ महीना, उजाला पाक, पूर्णमासी तिथि, सूर्य कुंभ राशि में, चंद्रमा सिंह राशि में, मघा नक्षत्र रात्रि 9:18 तक रहेगा। इसके बाद पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगा। दिशा सूर्य, पूर्व दिशा परिहार अदरक। कहने का मतलब यह है आज पूर्व दिशा की यात्रा करना आपके लिए ठीक नहीं है, लेकिन पूर्व दिशा की यात्रा करना आपके लिए अति आवश्यक है, तब आप क्या करेंगे? अगर पूर्व दिशा की यात्रा करना आपके लिए अति आवश्यक है तो आप अदरक खाकर यात्रा आरंभ करें तो आपको सफलता मिलने के चांस बढ़ जाते हैं। राहु काल प्रातः काल 9 बजे से 10:30 बजे तक, गुली काल प्रातः 6 बजे से 7:30 बजे तक, यमगंड काल प्रातः 1:30 बजे से 3 बजे तक। किसी भी शुभ काम की शुरुआत अथवा यात्रा का आरंभ राहु काल में न करें। क्यों? जो भी शुभ काम राहु काल में शुरू किए जाते हैं, वो यात्रा हो चाहे कोई शुभ काम हो, ये दोनों ही काम में कदम कदम पर दिक्कत और परेशानी उठाना पड़ता है। अगर कोई शुभ काम आप करना चाहते हैं या यात्रा का आरंभ करना चाहते हैं, तब आपको क्या करना है? कोई शुभ काम आप करना चाहते हैं या यात्रा करना चाहते हैं, ये दोनों ही काम अगर आप गुलिक काल में शुरू करते हैं तो आपको सफलता मिलने के चांस बढ़ जाते हैं। अब हम आपको राशि परिचय की तरफ लेकर चलते हैं। अपने नाम के पहले अक्षर से अपनी राशि की जानकारी करिएगा। कुछ अक्षर दो अक्षरों से मिलकर बनते हैं तो परेशान न होइए, हम आपको रास्ता बताएंगे। देखो भैया, दो अक्षर से मिलकर बनने वाला अक्षर प्र होता, और प्र से भी बहुत लोग के नाम है, जैसे कि प्रमोद है, परमिला है। अब आप क्या करेंगे? तो भाई प्र को आप पास दें। कहने का मतलब सीधा सा है, प्र को आप कन्या राशि से दें। इसी तरीके से दो अक्षर से मिलकर बनने वाला अक्षर त्रा भी होता, और त्रा से लोगों के नाम हैं, जैसे कि त्रिभुवन है, त्रिलोकी है। अब आप क्या करेंगे? तो भाई त्रा को आप ता से देखें। कहने का मतलब यह है त्रा को आप तुला राशि में देखें। इसी तरीके से दो अक्षर से मिलकर बनने वाला अक्षर ज्ञा होता, और ज्ञा से भी बहुत लोग के नाम है, जैसे कि ज्ञानवती, ज्ञानचंद। अब आप क्या करेंगे? तो भैया ज्ञा को आप गा से देखें। कहने का मतलब यह है ज्ञा को आप मकर राशि में देखें। इसी तरह से दो अक्षर से मिलकर बनने वाला अक्षर श्रा भी होता, और श्रा से बहुतों के नाम है, जैसे कि श्रीचंद, श्री राम, श्रीधर। अब आप क्या करेंगे? तो भाई श्रा को आप सा से देखें। कहने का मतलब यह है
किस तरह को आप कुंभ राशि से देखें। अब हम आपको राशि फल की तरफ लेकर चलते हैं। एरिस यानी मेष राशि, मेष लग्न राशि के जातकों, आज बुद्धि के द्वारा आप लाभ कमा सकते हैं। विद्यार्थियों को विद्या का विशेष लाभ मिलेगा, संतान का सहयोग भी मिलेगा, माता का भी सुख प्राप्त होगा, वाहन सुख मिलने के योग दिखाई दे रहे हैं तथा धन का भी लाभ होगा। यानी आज का दिन बहुत अच्छा है। विशेष उपाय, हनुमान जी के मंदिर में चमेली के तेल का दीपक जलाएं। टॉरस यानी वृषभ राशि, वृषभ लग्न राशि के जातकों, आज भाई बहन का सहयोग प्राप्त होगा, माता का भी सुख मिलेगा, वाहन सुख के भी योग हैं, परंतु पिता से मतभेद होने की योग दिखाई दे रहे हैं, सरकारी कामों में बाधा आने के चांस है। विशेष उपाय, महिलाओं का सम्मान कीजिए। जेमिनी यानी मिथुन राशि, मिथुन लग्न राशि के जातकों, आज परिवार का सहयोग मिलेगा, पराक्रम के द्वारा रुके हुए कामों में सफलता मिलने के योग दिख रहे हैं, धार्मिक कामों में मन नहीं लगेगा। विशेष उपाय, किसी गरीब ब्राह्मण को दूध का दान करें। कैंसर यानी कर्क राशि, कर्क लग्न राशि के जातकों, परिवार का सहयोग मिलेगा, धन संग्रह करने के योग बन रहे हैं, मन प्रसन्न रहेगा तथा आयु को नुकसान पहुंचने के चांस हैं। विशेष उपाय, फिजूल में पानी न बर्बाद करें। लियो यानी सिंह राशि, सिंह लग्न राशि के जातकों, आज स्वास्थ्य आपका अच्छा रहेगा, मन खुश रहेगा, बाहरी स्थानों से लाभ मिलने के योग दिखाई दे रहे हैं, खर्चा बढ़ेगा, रोजगार कुछ मंदा रहेगा, पति पत्नी में मतभेद होने के योग दिखाई दे रहे हैं। विशेष उपाय, अपने जेब में लाल रंग की रुमाल रखें। वर्गो यानी कन्या राशि, कन्या लग्न राशि के जातकों, आज खर्चा और आमदनी लगभग बराबर रहेगी, कहने मतलब आज का दिन सामान्य है, झगड़ा झंझट की स्थिति से आप सावधान रहिएगा, परंतु बाहरी स्थान से आपको मदद मिलने की योग है। विशेष उपाय, अपनी बुआ और बहनों का सम्मान कीजिएगा। लिब्रा यानी तुला राशि, तुला लग्न राशि के जातकों, आज सरकारी कामों में सफलता मिलने के योग दिख रहे हैं, समाज में मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी, धन लाभ मिलने के भी योग हैं, परंतु दिमागी उलझन आपके बढ़ने के भी चांस दिख रहे हैं। विशेष उपाय, पूरे बदन में दही लगाकर स्नान कीजिएगा। स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक राशि, वृश्चिक लग्न राशि के जातकों, आज भाग्य प्रबल है, धार्मिक कामों में मन लगेगा, पिता का भी सहयोग प्राप्त होगा, सरकारी कामों में सफलता मिलने के योग दिखाई दे रहे हैं। विशेष उपाय, नहाने के पानी में थोड़ा सा लाल चंदन का बुरादा मिलाकर स्नान कीजिएगा। सेजिटेरियस यानी धनु राशि, धनु लग्न राशि के जातकों, आज भाग्य प्रबल है, धार्मिक कामों में मन लगेगा, आयु को बल मिलेगा, परंतु भाई बहन से परेशानी के योग दिख रहे हैं। विशेष उपाय, अपने सदगुरु का सम्मान कीजिए। कैपिकार्न यानी मकर राशि, मकर लग्न राशि के जातकों,
आज आयु में की उन्नत होगी, पति पत्नी में आपस में मतभेद होने के योग दिखाई दे रहे हैं, धन हान होने के योग है, परिवार में परेशानी होने के भी योग दिख रहे हैं। विशेष उपाय, किसी भी मजदूर की मजदूरी मत मारें। एक्वेरियस यानी कुंभ राशि, कुंभ लग राशि के जातकों, आज रोजी रोजगार में दिक्कत आने के योग दिख रहे हैं, पति या पत्नी को भी कष्ट होने के चांस हैं, तथा स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहिएगा। विशेष उपाय, अपने पास काले रंग के रुमाल रखें। पाइसिस यानी मीन राशि, मीन लग राशि के जातकों, आज झगड़े झंझट की स्थिति से सावधान रहिएगा, दिमागी उलझन बढ़ने के भी योग हैं, संतान कष्ट होने के योग दिख रहा है, खर्चा बढ़ेगा, आप सावधान रहिएगा। विशेष उपाय, गरीब छात्रों को कॉपी है, किताबें हैं, पेन है, रबर है, पेंसिल, अपनी हैसियत के अनुसार दान करिएगा। अगर आप अपने राशिफल में विशेष सटीकता चाहते हैं तब आप क्या करेंगे? देखो भैया, राशिफल में विशेष सटीकता चाहते हैं तो अपने राशिफल को अपनी लग्न से देखें। अगर आपको अपनी लग्न नहीं मालूम है तब आपको क्या करना? अगर आपको अपनी लग्न नहीं मालूम है तो हमारे मोबाइल अथवा हमारे व्हाट्सएप पर या हमसे डायरेक्ट संपर्क करके निःशुल्क लग्न की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया है तो मिश्रा ज्योतिष केंद्र को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने इष्ट मित्रों में अधिक से अधिक शेयर करें तथा कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखना न भूलें। हमारे इन वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए, आप चाहें तो उन्हें भी देख सकते हैं। ये हमारे सारे पॉपुलर वीडियोज हैं। आवश्यक सूचना, अस्त्रिका परीक्षण, जन्मपत्र परीक्षण, ग्रह शांति, सत्यनारायण कथा, संतान प्राप्ति, तांत्रिक अनुष्ठान, विवाह आदि के लिए हमारे मोबाइल नंबर 9807225523 पर सुबह 10 से शाम 5 बजे तक व्हाट्सएप या कॉल द्वारा संपर्क कर सकते हैं। मिलने का स्थान मिश्रा ज्योतिष केंद्र, कम्युनिटी सेंटर सामने पार्क के पास, आवास विकास नंबर 1, कल्याणपुर, कानपुर नगर। जय माता दी।